So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. So it is very first class of chemistry. देखिए सबको सबसे ज्यादा hard chemistry लगता है. ध्यान सुनिए. एकदम अच्छा से अगर आपको सीखना है regular class attend करेंगे. अगर आप regular class attend करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा. समझाने का पूरा guarantee है. Chemistry देखिए तीनों subject अगर देखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो ये दोनों ये ऑप्शन में बता सबको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो तो ये तीन चार चैप्टर आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है. ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 11th का साइंस स्टूडेंट्स के लिए जो आपको कैरियर बनाएगा. और ये दोनों कंपल्सरी है. इसमें आप चाहेंगे तो कोई एक ले सकते हैं दो ले लिए एक में फेल होना भी अफोर्ड कर सकते हैं. बट इन दीज टू सब्जेक्ट्स physics and chemistry, you have to be passed and with very good marks. Even you have to score very good marks in both all the subjects. But in especially physics and chemistry, these are very different chapters. एकदम अलग है. Class 12th, sorry 11th का 10th से अगर तुलना करेंगे तो देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो देखिए सीढ़ी अच्छा से बना हुआ है. आप आराम से 10th पहुंच गए. लेकिन 11th ऐसा नहीं है. 11th इस तरह का स्लोप में नहीं है. 11th इज क्वाइट करना पड़ता है. आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है इन क्लास 11. आपको बस बता रहे हैं बहुत घबराने का बात नहीं है. एकदम अच्छा से पढ़ के देखिए समझ में आएगा तो आप अच्छा कर पाएंगे. इस तरह से यहाँ पे आपको 6, 7, 8, 9, 10 आराम से पास कर विदाउट मच अफेक्ट. बट इन क्लास 11th यू हैव टू कीप योर सेल्फ वेरी टाइट है ना. एकदम टाइट रखना है. जल्द एकदम अच्छा से पढ़ देना है. बिल्कुल समझ में आएगा और आपको हर कुछ सोल्व कर लेना है. ऐसा हम पढ़ाएंगे आपको. अंडरस्टूड. बहुत मजा आने वाला है. 11th क्लास 6, 7, 8, 9 रखना पड़ता था समझना पड़ता था. यहाँ पे सिर्फ समझने वाला चीज है. इन क्लास 11th यू हैव टू लर्न ओनली देन यू विल बी पास. और अच्छा नंबर लाना तो सिर्फ लर्न करना पड़ेगा. रखना थोड़ा सा पड़ता वो भी लास्ट में. अंडरस्टूड. सो इन क्लास 11 एवरीवन केम. चलो चेक कर लेते एक बार सबको आ गया. गुड. इन क्लास 11 यू हैव टू मतलब बहुत मुश्किल मतलब क्लास है. लेकिन आप अर्ली स्टार्ट कर रहे इसका एडवांटेज आपको मिलेगा. बहुत आगे आके रहेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है. अंडरस्टूड. तो चलिए क्लास 11th का जो केमिस्ट्री है वो कैसे कैसे बना हुआ है मतलब किस टाइप से बना हुआ है. सो लुक हियर 11th क्लास. अच्छा तीनों में अगर तुलना करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो तो सबसे खराब सबको केमिस्ट्री ही लगता है पराया. हम तो देखे आज तक 10th क्लास तक का स्टूडेंट्स को या 11th या 12th जब भी पूछते हैं ना केमिस्ट्री सबसे मतलब खराब लगता है तो पता नहीं क्यों. या तो अच्छा से 6, 7, 8, 9 में नहीं पढ़े होंगे तो 10th में खराब फिर 11th भी खराब. क्लियर है. तो जो सबसे आप जो ट्यूशन पढ़ रहे हैं आप जो क्लासेस कर रहे हैं मालूम है क्यों पढ़ रहे हैं. जो सबसे खराब है उसको सबसे अच्छा से पढ़ने के लिए आपने हमको आई एम श्योर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबको चैट बॉक्स में लिखिए. मैक्सिमम स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं केमिस्ट्री इज द टफेस्ट केमिस्ट्री इज बोरिंग सब्जेक्ट आई हेट केमिस्ट्री ऐसा आएगा. अंडरस्टूड. तो केमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल है लेकिन अच्छा से आप पढ़ेंगे इट विल बी वेरी इजी. इट विल बी वेरी इजी टू स्टडी. आई एम श्योर आई विल मेक यू लर्न सो दैट यू कैन इजीली इंजॉय दिस सब्जेक्ट्स. अंडरस्टूड. किसो किसो केमिस्ट्री अच्छा लगता है या खराब लगता है केमिस्ट्री के बारे में अपना व्यू जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए. हम पढ़ते हैं देखते हैं आप क्या लिखते हैं. जल्दी से यू हैव 1 मिनट टू राइट What type chemistry आपको कैसा लगता है इन क्लास 10th until 10th क्लास. जस्ट टेल मी हाउ मच केमिस्ट्री until क्लास 10th.
क्लास 10 तक में केमिस्ट्री को लिखना चेक बॉक्स में आपके पास यू कैन यू चेक बॉक्स टू राइट योर व्यूज फॉर केमिस्ट्री यू हैव 1 मिनट जस्ट राइट योर व्यूज अबाउट केमिस्ट्री क्लास Do you have chat box? Good. Jiren has written that it is good, but little harder than other subjects. Stalin, it was too hard for me. Oh. But don't worry, students. I am here to make the course syllabus easy. It was good for me. Tanisha written, Akshay, I am interested to learn chemistry. Good. Hard or easy, it is good to write, interested to learn chemistry. Good. So it was a huge from you. One more. Nancy, it was hard for me. Good. Koi baat nahi. Hard or easy, I am there. To chaliye. Class 11th ka chemistry. स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से. अगर डेली कोई क्लास कर रहा लाइव हो चाहे ऑफलाइन जब शुरू होगा तब अगर विदाउट एनी सॉरी एब्सेंट इफ यू अटेंड द क्लास रेगुलरली आई एम श्योर यू विल लव इन लव विथ केमिस्ट्री 100% एकदम इजी है. बस आपको रेगुलर होना पड़ेगा. इट इज द कंडीशन. इस कंडीशन में अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए विदाउट एब्सेंट 100% यू विल लर्न एंड यू कैन आंसर ड्यूरिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जाम. इन क्लास 11th केमिस्ट्री इट इज ऑफ 100 मार्क्स. दे आर टू पार्ट्स जस्ट लाइक फिजिक्स थ्योरी एंड व्हाट प्रैक्टिकल. थ्योरी इज ऑफ 70 इट इज ऑफ 30 प्रैक्टिकल का होता भी नहीं है. सब कोई पास हो जाता है उतना कोई खास बात नहीं है. नाउ इन थ्योरी देर आर थ्री मेजर सेक्शन. वन इज कोल्ड फिजिकल केमिस्ट्री. एकदम लगेगा मैथ्स है पूरा का पूरा मैथ्स. जिसको मैथ्स अच्छा लगता है ये पार्ट 70 में ऑलमोस्ट 30 मार्क्स. 70 में ऑलमोस्ट 30 से 35 आ जाता है. ये तो एग्जाम जो है लेवल का स्कूल के टीचर लेते हैं है ना. बोर्ड एग्जाम तो है नहीं तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है लेकिन बेसिकली 30 से 35 आता है. देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. इन क्लास 12th है ना केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ना है. हियर यू विल गेट ऑलमोस्ट 25 मार्क्स एंड देन देयर विल बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 10 to 15 30 to 35 25 तो इससे आएगा ही आएगा एंड 15 मार्क्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये स्टैंडर्ड तरीका है. इसको बांटा गया है इन क्लास 11th बट इन डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट टीचर्स आर देयर. इट इज नॉट ए बोर्ड एग्जाम सो अलग अलग टीचर अपना अपना वेटेज देते हैं. उससे कोई मतलब नहीं. आपको सब कुछ बताएंगे सो दैट यू विल राइट द आंसर ड्यूरिंग एग्जाम. अंडरस्टूड. ये बात को नोट कर लीजिए. सबको अपना व्यू लिख दिया होगा उम्मीद है. केमिस्ट्री के बारे में व्यू बताइए. देन आई विल वर्क हार्ड फॉर यू. अंकित इन क्लास अश्विनी गुड. पवन निखिल सिमरन इज देयर गुड. तनिषा अमृता स्टालिन नैन्सी जीरे गुड. अक्षय सबसे ज्यादा जो खराब होता है नहीं ये इट इज नॉट ए पार्टी रेस्टोरेंट ना जिसमें सबसे इजी जो लगता है जो सबसे अच्छा लगता है उसको आप यू कैन मतलब उसको खा लेते हैं. ऐसा नहीं करना. इसमें सबसे 11th क्लास 12th क्लास में यू आर सिंसियर नाउ है ना. 11th क्लास में जो सबसे खराब है जो सबसे ज्यादा डराता है आपको जो सबसे ज्यादा हार्ड लगता है उसमें सबसे अधिक टाइम आपको डिवोट करना है. ये मेरा राय है ना. डेवोट करें टाइम तो वो इजी होने लगेगा. हार्ड को अगर छोड़ दीजिएगा हेट करिएगा देन इट विल बिकम हार्ड और बहुत मुश्किल लगने लगे हार्डर हो जाएगा वो.
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। उसे बहुत सा चैप्टर है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से है, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से है। फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छा से पढ़ लिया, 50% क्वेश्चन लिखे, ऑलमोस्ट 30 से 35 है ना, वो चैप्टर जो होते हैं बहुत आराम से आप एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज मोल कॉन्सेप्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बेसिक थियोरी ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक या फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है। एंड सबसे सिंपल नाम है मोल कॉन्सेप्ट। देन वी आर इन द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन वी विल स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही अलग टाइप का चैप्टर है। देन वी विल बी इन केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, देन वी आर इन स्टेट्स ऑफ मैटर, पूरा मैथ्स टाइप का चैप्टर है। गैस लॉज, बॉयज लॉज, चार्ल्स लॉज, ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, देन थर्मोडायनामिक्स, देन विल स्टडी विथ थर्मोडायनामिक्स, अंडरस्टूड, देन आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से है, हम लोग इसको एसिड बेस नाम से भी बोलते हैं, एसिड बेस, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, एसिड बेस के बारे में पढ़ना है। ये बहुत लंबा चैप्टर है, इवन सभी चैप्टर बहुत लेंदी होते हैं, अच्छा से पढ़े, बहुत लेंदी है और अच्छा समझ में आएगा। मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन, अंडरस्टूड। देन वी हैव सभी ज्यादा चैप्टर्स, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, थर्मोडायनामिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कॉन्सेप्ट। चैप्टर 50% क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री, आईआईटी का भी तैयारी करिएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, अंडरस्टूड। दीज आर द चैप्टर्स वी हैव टू स्टडी, नोट इट डाउन, इन विच सेक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री, एंड वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट वेरी सून, नोट इट डाउन, अंडरस्टूड। आवाज की साउंड ठीक है, अच्छा है जीरेन, साउंड क्लियर आ रहा है? कैसे अच्छा है साउंड? यस सर, गुड। रनिसा क्लास करिए, गुड, ठीक है कि बहुत अच्छा? हाँ ठीक है, तो डर डर गए थे हमसे, और अच्छा कैसे करें। तनिषा क्या ठीक है? बाहर का आवाज आ रहा है कि मेरा आवाज आता है? बाहर का भी आ रहा है, ठोकने का, बाहर का नहीं आ रहा है ठोकने का? So these are the chapters we have to study, और एक कॉपी पेन के साथ पढ़िए, बुक बाद में लेते रहिएगा, है ना, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ते हैं उस तरह से, ये नहीं कि हम लोग स्क्रीन शॉट ले लिए बाद में कोई नोट नहीं करता, अभी पढ़िए, अभी चलते रहेगा, धीमा धीमा एकदम अच्छा से खत्म होगा। लिख लीजिए सब कोई, सो वील स्टार्ट विद द चैप्टर, वील स्टार्ट विद द चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री सेक्शन 1, एंड द चैप्टर 1 इज मोल कॉन्सेप्ट, एंड द चैप्टर 1 इज मोल कॉन्सेप्ट। बहुत चीज पढ़ना है,
हम लोग को क्या क्या पढ़ना है एकदम अच्छा से आपको बताएंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक है पहले बता दे रहे हैं। सबसे पहले एटम के बारे में पढ़ेंगे, उसका ग्राम एटम के बारे में पढ़ेंगे, एवोगैड्रो नंबर के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड का बारे में मतलब मॉलिक्यूल के बारे में, ग्राम मोल के बारे में, ग्राम मोल के बारे में, एवोगैड्रो नंबर के बारे में, ग्राम मोलर वॉल्यूम के बारे में, अंडरस्टूड। देन वी विल बी इन स्टोकियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री। देन वी विल बी इन एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, वेपर डेंसिटी। क्लियर है? एंड सम मिसलिनियस क्वेश्चन, वेरी लेंथी चैप्टर। सो दीज आर द चैप्टर, सॉरी टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी ड्यूरिंग द चैप्टर कोड मोल कॉन्सेप्ट। एटम के बारे में, ग्राम एटम, एटॉमिक नंबर, सॉरी एवोगैड्रो नंबर, सॉरी मॉलिक्यूल, कंपाउंड, ग्राम मोल, बहुत चीज इसके अंदर, एवोगैड्रो नंबर, ग्राम मोलर वॉल्यूम, स्टोकियोमेट्री, इक्वेशन सबको कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा मैथ्स है, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, वेपर डेंसिटी एंड मिसलिनियस क्वेश्चन। इतना आपको पढ़ना, ये बात भी नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं, छोड़ दीजिए लिखना, बाद लिख लीजिएगा, स्क्रीन शॉट लीजिए, कोई बात नहीं। आइए एलिमेंट, सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं एलिमेंट्स? जैसे हम लोग कल फिजिक्स से पढ़े थे, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनसे फिजिकल बनेगा। जैसे डिजिट होता है उनसे नंबर बनता है, जैसे अल्फा वेट होते हैं उनसे वर्ड्स बनता है। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी समझ लीजिए, ये फंडामेंटल क्वांटिटी टाइप का चीज है। ये क्या है? फ्रीली, जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, जिसको हम लोग नहीं बना सकते, जिसको हम लोग खोज सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते। फ्रीली एग्जिस्ट इन कहां पे है कि नहीं? अलग अलग हिस्सों में, अर्थ का अलग अलग हिस्सों, या यू कहिए यूनिवर्स में फ्रीली एग्जिस्ट होते हैं। इन द कहां पे? यूनिवर्स। दीज आर फिक्स्ड, ये फिक्स नंबर है और धीरे धीरे खोज होते जा रहा है। जब हम लोग पढ़ते थे, जब वेर वी आर इन क्लास 11 और 10th और 9th, देर वेर ओनली 78 एलिमेंट्स। फिर धीरे धीरे और खोज होते गया, ये फिक्स है, डू यू नो 118 एलिमेंट्स होते हैं। अभी तक में 100 एलिमेंट्स का खोज हो चुका है कि नहीं? अंडरस्टूड? पहले धीरे धीरे, अगर यू विल बी बैक 50 इयर्स बैक, देन देयर वर ओनली 52 एलिमेंट्स इन 1975, देन इन 1990 देयर वर ओनली 78 एलिमेंट्स सो फार डिस्कवर्ड एट दैट एरा, एट 25 इयर्स बैक। Nowadays, there are 100 types of elements. इनको ये फ्रीली पाए जाते हैं, है कि नहीं? These are कहां पे पाए जाते हैं? Exist in the universe. Fixed है, ये fixed है, इनका संख्या निश्चित है। धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं? Discover करते हैं इनको। सबका अपना अपना क्या है? Symbol है। सबका अपना अपना symbol दिया गया है। जिसे बोलेंगे oxygen. O means there is oxygen.
इट इज एन एलिमेंट आयरन, सबका सिंबल है अपना अपना आयरन लिख रहा है एफी, नाइट्रोजन, कार्बन, यूरेनियम, प्लेटिनम एंड सो फॉर, ऐसे अगर हम लिखे देन यू विल गेट 118 एलिमेंट्स। सारा चीज इन्हीं से मिलके बना है, जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे इन फिजिक्स, सब कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली हियर ऑल्सो, जितना इनके अलावा जो चीज है सब इन्हीं से मिलके बना होगा, हाइड्रोजन, लेकिन देख रहे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड सो ऑन, दीज आर द एलिमेंट्स। We cannot create elements. हम लोग एलिमेंट नहीं बना सकते, एलिमेंट के सहायता से कुछ बना सकते हैं, बट वी कैन नॉट फॉर्म। ये हम लोग कहीं से ला सकते हैं, कहीं से हम जहां पे फ्रीली एग्जिस्ट हो रहे हैं वहां से ला सकते हैं, अपने से बोलेंगे बनाइए सिल्वर, सिल्वर को नहीं बना सकते, और किसी के सहायता से बना सकते हैं, अकेले बोलेंगे जस्ट मेक सिल्वर, कांट पॉसिबल। So these are the very fundamental unit, समझ लिए क्या यूनिट ऑफ केमिस्ट्री है, इन्हीं से सब कुछ मिलके बनता है। और कितना होता है, there are 118 elements so far discovered, understood, note it down। So there are 100 elements so far discovered, इज इट क्लियर, फ्रीली एग्जिस्ट होते हैं इन द नेचर, नेचर में, यूनिवर्स में फ्रीली मिलते हैं, फिक्स नंबर में होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं, सिंबल है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बहुत से होंगे, नोट करिए। कंपाउंड अलग होते हैं, एलिमेंट्स अलग होते हैं, पहले हम लोग एलिमेंट्स पढ़ेंगे। सबको पहले जानते हैं, केमिस्ट्री को एकदम बेसिक से पढ़िए, कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, एक एक चीज बताएंगे, एक एक चीज। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एटम्स सब कोई जानते हैं, ये क्या है, एटम्स क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट, कोई मेरे पास आयरन का टुकड़ा है, मान लीजिए आयरन का टुकड़ा है, इसका सबसे छोटा हिस्सा कर दी, इससे भी हजारों गुना छोटा, जिसको हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते, जिनको हम लोग फर्दर तोड़ नहीं सकते, ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते, जो सबसे, ये आयरन इज एलिमेंट, और सबसे छोटा हिस्सा उसका जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोलते हैं, जो सबसे छोटा, यानी ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, बहुत सा एटम मिलाएंगे तो एलिमेंट का रूप ले लेगा, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा इज सिंपली कॉल्ड एटम, इसको ना ही हम लोग क्या कर सकते, डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, नेचर में हम लोग पा सकते हैं इसको, क्लियर है। इसके अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, आगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में और अच्छा से पढ़ेंगे। कोई एटम तो हम लोग स्फेरिकल माने बहुत छोटा है, उसको बहुत बड़ा दिखा रहे हैं, एटम है मान लीजिए, इसके अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड व्हाट, न्यूट्रॉन, इनसे मिलके बना होता है एटम। So these are three fundamental particles of an atom which makes an atom. बहुत सा एटम से एलिमेंट बनेगा, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाएगा,
एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते कितने होते हैं, सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। एटम का वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम का वेट को हम लोग एटॉमिक वेट, जिसको हम तौल के ना, तौलने का चीज है, ध्यान सुनिए, एटम का वेट को एटॉमिक वेट बोलते हैं। और सबका अपना अपना फिक्स है, सब बताएंगे बारी बारी से, ऑल आर फिक्स, अंडरस्टूड। एलिमेंट क्या होते हैं सबको पता चल गया, देयर आर 100 एलिमेंट सो फार डिस्कवर्ड, उनका जो सबसे छोटा हिस्सा आर कॉल्ड एटम्स। एटम्स के अंदर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं आपको आगे आगे पता चलते जाएगा। एटम्स का वेट को एटॉमिक वेट बोलते हैं, ये फिक्स होता है, हम लोग इसको साइंटिस्ट लोग बताएं और उनको सही मान लिए, ऐसा जरूरी है। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। सबको समझ में आ रहा होगा उम्मीद है, क्लियरली आ रहा होगा, कहीं कोई डाउट नहीं रहा। If you have doubt, you can ask the doubt in the chat box. इस सब बात को नोट करते जाइए, एकदम अच्छा से कॉपी बनाइए और रेगुलर स्टडी करते रहिए, छोड़ दीजिएगा तो वही हार्ड हो जाता है। चलिए, एटम का वेट को एटॉमिक वेट छोड़ दीजिए, अब आइए हाइड्रोजन। सबसे पहले खोज या सबसे हल्का हाइड्रोजन, ये एक जो लिखे है ना वो एक एटम को बताता है। एटम बहुत छोटे होते हैं, दिख रहे हैं इतना छोटा ये दिख रहा है, अगर दिख रहा तो इससे भी लाखों गुना छोटा, उनके बारे में बात हो रहा है। हाइड्रोजन ये एटम है, एटम का वेट को बोलते एटॉमिक वेट। शुरू में हाइड्रोजन को वन मान लिया गया, सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है इसको हम लोग वन मान लिए। बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, बाद में बहुत तरह के हाइड्रोजन आपको मिलेंगे, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, बताया चलेगा। फिर हीलियम का नंबर आता है, इसका 4 होता है एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर नहीं बोल रहे, एटॉमिक वेट, अंडरस्टूड, सबका फिक्स है। कार्बन का 12, बताएं क्या होता है, ऑक्सीजन का 16, ये जो एटॉम का वेट को एटॉमिक वेट, सबसे पहले सबसे हल्का लाइटर इज हाइड्रोजन, उनको वन मान लिए। हीलियम का एटॉमिक वेट को 4, इसका मतलब क्या हुआ, हीलियम का एक एलिमेंट है हीलियम, उसका सबसे छोटा कण एटम है, एटम का वेट को 4 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हीलियम का एक एटम, हीलियम का वन एटम जो है इज 4 टाइम्स क्या है, हेवियर देन व्हाट, हाइड्रोजन। ध्यान सुनिए, अगर हम लोग तुलना करें, अगर हम लोग तुलना करें तराजू में, मान लीजिए काश ऐसा हो पाता, मान लीजिए है ना, काश ऐसा हम लोग कर पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। हाइड्रोजन एक एटम लिए, हीलियम एक एटम लिए, बराबर होगा नहीं होगा, बराबर नहीं है, एक एटम का बहुत छोटा छोटा, तब भी दोनों का एटम का वजन वेट बराबर नहीं है, अलग अलग है। हाइड्रोजन सबसे हल्का है, एक हाइड्रोजन से बराबर नहीं हुआ, 2, 3, 4 देख रहे हैं, 4 दो हाइड्रोजन रखें तब जाके हीलियम का वजन, एक एटम का वजन बराबर हुआ, मतलब हाइड्रोजन से 4 गुना भारी है। कार्बन का एटॉमिक वेट 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन
कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, इसका मतलब क्या हुआ कि वन एटम ऑफ कार्बन और वन एटम ऑफ हाइड्रोजन बराबर नहीं है। कार्बन का एक एटम का वजन 12 टाइम्स हेवियर है, 12 गो हाइड्रोजन के बराबर है। 12 गो हाइड्रोजन का एटम रखेंगे तब जाके कार्बन का एक एटम, मतलब क्या हुआ, कार्बन का वन एटम इज 12 टाइम्स हेवियर देन वन एट, कार्बन का एक एटम इज 12 टाइम्स हेवियर देन वन एटम ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है, इसका मतलब हुआ कि कार्बन का एक एटम, पूरा मैथ्स है, हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, एकदम इतना अच्छा से बताएंगे कि 11 क्लास में आपको आंसर लिखने के लिए जो जो चीज चाहिए वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। सो कार्बन का एक एटम का वजन 12 गुना भारी है हाइड्रोजन के एक एटम से, मतलब 12 को हाइड्रोजन का वजन और एक को कार्बन एटम का वजन बराबर है। अंडरस्टूड? नोट इट डाउन। नोट कर लीजिए। तो सबका अपना अपना एटॉमिक वेट फिक्स है, सबका अपना अपना एटॉमिक वेट फिक्स है। अंडरस्टूड? कार्बन का अपना, हाइड्रोजन का अपना, ऑक्सीजन का अपना, नाइट्रोजन का अपना, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा इज सिंपली कोल्ड, इज सिंपली कोल्ड व्हाट, एटम। एटम का वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉम, तौलने का चीज है, और तोलने के लिए हम लोग क्या बोले, तोलने के लिए क्या फिक्स कर दिए, हाइड्रोजन को। सोडियम है मेरे पास, ये सोडियम है, इसका एटॉमिक वेट है 23, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ हाइड्रोजन रखे और एक तरफ सोडियम, और तोलेंगे तो बराबर नहीं है, अलग अलग एलिमेंट, सबका अपना अपना गुण है, सब अलग अलग है, सेम कैसे हो सकते हैं, सेम होते तो क्यों अलग अलग बोलते हैं हम। अंडरस्टूड? इट इज नॉट सेम। तो व्हाट टू डू, क्या रखें, सोडियम का एक एटम हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 23, अब जाके बराबर, मतलब क्या, एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23, मींस एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23, मींस सोडियम इज 23 टाइम्स भारी है हेवियर देन इससे हाइड्रोजन, मतलब 23 को हाइड्रोजन के बराबर है, 23 को हाइड्रोजन का एटम, एटम का वेट के बराबर है कौन, सोडियम का एक एटम का वजन। अंडरस्टूड? हम बोलेंगे यूरेनियम, यूरेनियम का एक एटम का वजन 235, सुने होंगे बहुत भारी है ये, तो यूरेनियम, यू मीन्स यूरेनियम 235, 238, 240 भी होता है, हम 235 लिखे हैं, इसका मतलब यह हुआ
कि 235 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, बहुते भारी पूरा भर जाएगा तराजू में। अगर तराजू में ब्रेक केस को तोलेंगे ना, 235 को हाइड्रोजन, तब यूरेनियम का एक एटम के बराबर होगा। तो सबका अपना अपना फिक्स है, इन सब को पढ़ते पढ़ते याद, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, सल्फर का 32, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35, फास्फोरस का 30 या 31, जो मर्जी लिख सकते हैं। ये सब ज्यादा यूज होता है, ऐसे किसी का भी यूज हो एग्जाम में, सबका एटॉमिक वेट फिक्स है, वो दिया हुआ होता है और उन्हीं को यूज करते हैं हम लोग। अंडरस्टूड, ये बात भी नोट कर लीजिए। किसी डाउट हो तो दे कैन आस्क मी, कोई अगर डाउट हो रहा कहीं पर भी, यू कैन आस्क मी। पूरा बात को नोट करिए, जो जो हम लिखवाते जा रहे हैं लिखते जाइए, कहां पे क्वेश्चन कैसे यूज होगा सब पता चलेगा। सबका अपना अपना एटॉमिक वेट फिक्स है, लेकिन हाइड्रोजन बहुत हल्का है, फिर तरह तरह के हाइड्रोजन होते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, AMU, या इसको बोलते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट। एटम बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे, बहुत हल्के, उससे जो हाइड्रोजन वो और हल्का। बाद में हाइड्रोजन के अलग अलग तरह के हाइड्रोजन का खोज हुआ, दो वाला भी, थ्री वाला भी, उससे बचने के लिए हम लोग एक नया यूनिट यूज किए, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनिफाइड मास यूनिट, यूनिफाइड मास ऑफ एटम। ये क्या होता है, इनको यूज करने लगे हम लोग। इसके लिए कार्बन को क्या माना गया, स्टैंडर्ड, ध्यान से सुनिए, कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया। उसके पहले किसको स्टैंडर्ड माना गया था, हाइड्रोजन को। कार्बन का एक एटम का, मान लीजिए एक एटम है कार्बन का, ये क्या है, एक एटम है, इट इज वन ऑफ द एटम ऑफ कार्बन। बहुत बड़ा दिखाए, इतना बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा सोच रहे हैं, इतना छोटा सा एकदम, जिसको हम लोग देख भी नहीं सके फ्रॉम डायरेक्ट आईज, ये बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा करके दिखा रहे हैं। इसका हम लोग 12 हिस्सा कर दिए, इसका हम लोग 12 हिस्सा कर दिए, कर नहीं पाएंगे, इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम लोग 12 हिस्सा इक्वल पार्ट में बांट दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 इक्वल पार्ट में बांट दिए इसको, किसको, कार्बन। समझ लीजिए, एक हिस्सा दिख रहा है, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, कार्बन 12 होता है एटॉमिक वेट, उसको 12 हिस्सा बांट दिए, बस एक हिस्सा का जो वजन होगा, वेट हो 1/12 पार्ट ऑफ वन एटम, 1/12 पार्ट है, सब इक्वल पार्ट है, ऑल आर इक्वली डिवाइडेड, ऑल आर ऑफ इक्वल पार्ट, सबका वजन क्या है, बराबर है, सबका वजन बराबर है, वेट ओ
1/12th पार्ट ऑफ 1 atom ऑफ कार्बन को ही हम लोग 1 amu बोलते हैं, और ऑलमोस्ट वो इक्वल होता है 1 हाइड्रोजन के बराबर। क्यों? हम लोग तुरंत बताए थे तभी, कार्बन का 1 atom 12 हाइड्रोजन के बराबर है कि नहीं? तो अगर 12 हिस्सा में बांटे, बराबर बराबर 12 हिस्सा में बांटेंगे, तो एक कार्बन का जो हिस्सा होगा 1/12th पार्ट ऑफ एटम ऑफ कार्बन होगा, वो एक्चुअली में 1 हाइड्रोजन के ही बराबर है। लेकिन हम लोग इसी को हम लोग क्या बोलने लग गए, 1 amu। एक ही बात है लेकिन कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया amu। अगेन ये भी क्या बताता है, एटॉमिक वेट बताता है, बहुत छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट में से है, यूनिफाइड मास ऑफ एटम भी बोलते हैं हम लोग। कार्बन को ही स्टैंडर्ड माना गया है, 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन, 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 amu, जो 1 amu लगभग में 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर है। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए, एक एक बात बताएंगे आप एकदम इजीली समझ में आएगा, नोट कीजिए, बहुत ही बताने वाले हैं इनके बारे में। सारे बात को नोट कीजिए, सबको लिख लिए। कार्बन का वजन 12th होता है, 1 part ऑफ कार्बन एटम को हम लोग क्या मान लिए, क्या स्टैंडर्ड? पहले कौन माना गया था, पहले किसको, हाइड्रोजन को, अब किसको माने हम लोग, कार्बन को। कार्बन का कितना हिस्सा कर दिए, बराबर बराबर 12 part, काट काट के अलग अलग, समझ, इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं ओनली। अंडरस्टूड? इमेजिन कर रहे हम लोग। ऐसे हमसे लगा पैसा, हमसे पैसा हम देंगे, तू देगा हमसे लगा, कल आ जाना है, कल आ जाना है। Understood? कोई डाउट नहीं है। हम बोलते हैं सल्फर का 1 atom का वजन 32 है, या 32 amu बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 32 बोलिए तो हाइड्रोजन से 32 गुना भारी है, amu बोलेंगे, amu, उसका मतलब क्या होगा, तुलना कर रहे हैं। सल्फर का 1 atom का वजन 32 amu है, कार्बन का एक हिस्सा तो 12 हिस्सा कर दिए,
एक दो तीन चार पांच एक बार हम लोग करते हैं, चलिए ऑक्सीजन करते हैं। ऑक्सीजन का एक एटम का वजन 16 है, पहले ऑक्सीजन समझते हैं। एक तरफ ऑक्सीजन रख दिए एटम, तो 16 AMU, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए ऐसा ऐसा कितना को लगेगा? 16 को लगेगा, 12 को है। एक कार्बन का एटम लाए, 12 को रख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, खत्म। अभी भी बराबर नहीं हुआ। एक और कार्बन का एटम लाए, एक और कार्बन का एटम लाए, लेकिन और एक कार्बन का एटम लाए हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरा ले लिया, बराबर नहीं हुआ। इसका कितना हिस्सा लेगा? 1 2 3 4, ये 4 को हिस्सा ले लिया है कि नहीं? ये 4 को हिस्सा ले लिया, 1 2 3 4, कहीं से भी 4 को हिस्सा रख दिए। अब जाके ये बराबर हुआ, मतलब कितना को एटम चाहिए? ऑक्सीजन का एक एटम का वजन हम लोग तौलने गए तो एक एटम कार्बन का पूरा यूज हो गया, 1 एटम ऑफ कार्बन पूरा यूज हो गया, लेकिन बराबर नहीं हुआ। फिर दूसरा कार्बन एटम को बुलाए, फिर दूसरा कार्बन एटम को बुलाए, कितना को ले लिया? 1 2 3 4 हिस्सा ले लिया, 4 हिस्सा ले लिया। अब जाके वो लोग बराबर हुआ। अब इसी को बोलते हैं 16 AMU। कितना को एटम चाहिए कार्बन का? कम से कम 2 एटम चाहिए, लेकिन दोनों पूरा यूज नहीं हुआ, दोनों पूरा यूज नहीं हुआ। एक पूरा यूज हुआ और एक का इतना ही यूज हुआ। ये हम लोग के पास हिंदी में लिख दे रहे हैं, बचा हुआ हो गया, इनका यूज नहीं हुआ। यही 4 बोल लिया और बराबर हो गया। अंडरस्टूड? कोई पूछेगा कोई क्वेश्चन, जो एएमयू को जानेगा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16, इसका मतलब क्या हुआ? 16 गुना भारी है हाइड्रोजन से, और एएमयू में बोलेंगे तो 16 को 1 AMU, मतलब 16 को ऐसा ऐसा चाहिए, तो 16 को तो होता नहीं है। एक कार्बन एटम में 12 ही ऐसा होता है, ये तो पूरा ले लिया। अब 4 को दूसरा वाला से मांगा, दूसरा एटम का पूरा यूज नहीं हुआ, कितना को यूज हुआ? 4 को, और 8 को कितना? 1 हिस्सा क्या है? रिमेनिंग है। अंडरस्टूड? या एक और एग्जांपल दे रहे हैं, आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, नोट करिए, एकदम अच्छा समझा रहे हैं। एएमयू का अर्थ समझा रहे हैं, एएमयू इज नथिंग बट इट इज क्या है? एक तौलने का एक तरीका है हाइड्रोजन के सहायता से, या सॉरी कार्बन के सहायता से। अभी एक क्वेश्चन और पूछेंगे, आपको क्लियर होगा, नोट इट डाउन। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं किसी को? एएमयू क्या होता है? तौलने का एटम, वेरी वेरी फर्स्ट क्लास, ये बहुत पहला ही क्लास है, और एएमयू टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, एटम एलिमेंट एएमयू। एटम का वेट को एटॉमिक वेट सबका फिक्स है। सोडियम का एक एटम का वजन 23 AMU है एटॉमिक वेट, इसका मतलब क्या है? दूसरा बात, कितना को कार्बन का एटम चाहिए और कार्बन का कितना को बचा हुआ? जैसे कितना को एटम चाहिए, इसमें 2 एटम चाहिए, और कार्बन का कितना हिस्सा बचा हुआ रह गया? 8। दूसरा वाला पूरा यूज नहीं हुआ, दूसरा वाला का सिर्फ 4 हिस्सा यूज हुआ। ये 2 तरबूज है, मान लीजिए बड़ा बड़ा तरबूज है, काट काट के अलग कर, मतलब हम लोग एक को पूरा खा लिए, दूसरा को कुछ ही भाग खाए, क्लियर है? उसको कुछ ही स्लाइस को हम लोग यूज किए टू इट, कुछ बचा हुआ रह जाएगा। और सिमिलर लियर ऑल्सो टू वेट द 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन,
वन ऑफ द होल कार्बन एटम इज यूज्ड, अंडरस्टूड, एंड अदर कार्बन एटम्स ओनली फोर पार्ट इज यूज्ड, एट इज रिमेनिंग. पूरा इमेजिन करना होगा अगर आपको 11th क्लास बिल्कुल अच्छा से पढ़ना है. इसके बारे में लिख दीजिए, इसके बारे में लिखिए आप लोग. जस्ट स्टार्टेड द टॉपिक, इट इज वेरी सिंपल टॉपिक, इट विल बिकम इजी धीरे धीरे एकदम अच्छा से. एक एक टॉपिक बताएंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा. हाँ, कोई घर से निकला होगा कि नहीं, आई विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एवर द सर एफर्ट, सर का कुछ भी एफर्ट हो आई विल नॉट अंडरस्टैंड, दे विल नॉट अंडरस्टैंड, बट आई एम श्योर यू आर हियर विद द माइंड फ्रेम दैट आई विल लर्न टूडे एंड मे एंड यू आर श्योरली लर्न. चलिए, कोई लिखा सोडियम का एक एटम का मतलब क्या होता है कि वन एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर देन वन एटम ऑफ सोडियम इज 23 टाइम्स हेवियर देन वन एटम ऑफ सॉरी 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन. हाउ मेनी कार्बन एटम इज यूज, टू एटम. देखिए तोड़ रहे हैं सोडियम का एक एटम, फिर थोड़ा तुलना करते हैं. एक कार्बन का पूरा यूज हुआ कि नहीं, एक कार्बन पूरा यूज हुआ, अभी भी बराबर नहीं है. अब क्या करें, दूसरा कार्बन का एटम लाएं, उसका भी 12 हिस्सा कर दिए. लेकिन पूरा 12 हिस्सा कर दिए, कितना यूज हो गया इतना देखे, क्या देखे, 12 और 11, ये पूरा यूज हो गया, पूरा यूज हो गया, बस एक वो बच गया. कितना रिमेनिंग, वन पार्ट रिमेनिंग है. दो को एटम लगा कि नहीं लगा. अरे सर बहुत कीजिए, एक नंबर. आप ये टॉपिक को समझे कि नहीं समझे ये जानने के लिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में चाहे भी पूछ सकता है. या और एक तरीका, 23 लिखिए, कार्बन का 12 होता है, डिवाइड करिए, 1 से डिवाइड करिए, 11 बचा. मतलब एक पूरा कार्बन और उसका दूसरा वाला का 11, तो दो एटम यूज होगा उसको तोड़ने के लिए, दो एटम यूज होगा, लेकिन दूसरा एटम पूरा यूज नहीं होगा, उसका 11 ही एएमयू लिया है कि नहीं. अब जाके बराबर हुआ तो कितना कार्बन एटम लगे, कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर यूज्ड, टू एटम्स ऑफ कार्बन आर यूज्ड, लेकिन बोथ ऑफ टू कार्बन एटम्स आर नॉट बीइंग कंज्यूम्ड, ओनली वन इज होल कंज्यूम्ड एंड अदर्स ओनली 11th पार्ट विल बी कंज्यूम्ड, वन पार्ट विल बी रिमेनिंग. अंडरस्टूड? वो लिखा था आंसर, आंसर से ज्यादा आपको समझना चाहिए इसका मीनिंग क्या होता है. एक और पूछ रहे हैं, सल्फर का एटॉमिक वेट 32 होता है, कितना कार्बन एटलीस्ट चाहिए और कितना रिमेनिंग बच जाएगा. चलिए ट्राई दिस. बाहर हुए चले,
सल्फर डाइऑक्साइड पे चले टू अच्छा कम से कम कितना लगेगा? एक पूरा ले लेगा, दूसरा भी पूरा ले लिया, तीसरा का कितना लेगा बोलिए? कितना चाहिए? कम से कम तीन को चाहिए। तीन में पूरा तो यूज नहीं हुआ, कितना यूज हुआ? पहला का पूरा होल, दूसरा का भी होल, तीसरा का कितना यूज होगा? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह चौबीस और बारह, बोलिए कितना यूज होगा? आठ यूज होगा। थ्री एटम की आवश्यकता होगी कम से कम, और उसका पूरा यूज नहीं होगा तीसरा वाला का। 24 + 8 आठ को यूज होगा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, और कितना रिमेनिंग? ये चार पार्ट रिमेनिंग, चार पार्ट रिमेनिंग। सर हमारा मीनिंग क्या होता है एएमयू का? एटम को तोलने के लिए, एटम्स आर वेरी स्मॉल वेरी फाइन, टू इन तोलने के लिए उनका बहुत छोटा ही यूज किया गया एएमयू, अंडरस्टूड? और इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे ना तो 1 AMU इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1.6 10 का पावर माइनस 27 केजी। 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 केज। ये बहुत छोटा यूनिट होता है, अंडरस्टूड? इन दिस वे यू लर्न कि कैसे हम लोग AMU को समझते हैं, मीनिंग समझना चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल आप ही करके दिखाइए। सिल्वर, सिल्वर निकलते यूरेनियम का होता है 235। चलिए कितना कार्बन एटम चाहिए और रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? चलिए कौन ट्राई करता है देखते हैं। चलिए कोई बनाया आंसर? एनीवन टेल कितना वो लगेगा? यूरेनियम का एक एटम 235 AMU। देखिए बहुत इजी है, 12 से डिवाइड करिए 235, 12 से डिवाइड करते 12 वन जै 12 क्लियर 115 9 1087। इसका मतलब क्या हुआ? 19 को पूरा और 7 गो रिमेनिंग है। इसका मतलब क्या हुआ? 7 गो रिमेनिंग है। सवेरा क्लियर है? हम लोग 115 9 15 मिनट के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? 7 गो रिमेनिंग है।
19 को पूरा यूज होगा है कि नहीं, 19 को पूरा, 20 को यूज नहीं होगा, और दूसरा वाला का 7 गो यूज होगा। देखिए 19 into 12 किया 228 हो गया, लेकिन और 7 गो लगेगा, और 7 पीस लगेगा, तो कितना बच गया हम लोग के पास, रिमेनिंग कितना होगा बोलिए, 5 रिमेनिंग 5। अंडरस्टूड कैसे कि 19 और एक 20, 20 कम से कम 20 को कार्बन लेके आना पड़ेगा, उसका 19 को पूरा यूज होगा और लास्ट वाला का एगो बच जाएगा। अंडरस्टूड, ये था आज का केमिस्ट्री क्लास, जस्ट स्टार्ट हुआ है, वीडियो नंबर 1 नाम से आप इसको सेव कर लीजिएगा, डेली आपको मिलेगा, यू विल गेट रिकॉर्डिंग डेली। अंडरस्टूड, कोई डाउट नहीं, किसी को कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, समझ में नहीं चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, एकदम धीरे समझ में आएगा, घबराइएगा नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री, आई एम श्योर यू है आज आपको एंजॉय किए होंगे, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जस्ट स्टार्ट हुआ था, जस्ट इंट्रोडक्शन था, आज हमें इतना ही पढ़ते, कुछ टाइमिंग का प्रॉब्लम हो गया, नेक्स्ट टुमारो विल स्टडी केमिस्ट्री सॉरी फिजिक्स एंड मैथ्स, कल से मैथ्स स्टार्ट करेंगे, आज नहीं कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजन। अंडरस्टूड, 12 कल का टाइमिंग पता चल जाएगा, कल आपको फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, क्लास कैसे लगा, कहां पे आपको समझ में नहीं आया, तो ग्रुप में आप अपना व्यूज को शेयर कर सकते हैं, और इट इज कंपल्सरी टू शेयर एवरीवन देयर व्यूज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या बोल रही है, नहीं 235 भी, 238 भी, 240 भी, बहुत रकम होता है ना, सबका आइसोटोप्स है, एग्जाम में दिया हुआ जिसका पूछेगा उसी का पढ़ना पड़ता है, 235, 36, 37, 38, ये लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उनका बहुत चीज होता है। अंडरस्टूड, पूरा अच्छा समझ में आया अच्छा से। जीरेन कैसे लगा, जीरेन क्लास में ठीक ही, बहुत अच्छा, हाँ ऐसे बोलो। स्टेलिन समझ में आया, स्टेलिन को अक्षय, हाउ इज द क्लास, अंकित भी है, और अच्छा लगेगा धीरे धीरे ना, इंप्रूव होगा, मजा आएगा, नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं टुमारो, टाइमिंग विल बी गिवन इन द ग्रुप।